पे समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ चुकी है माइंडट्री पर। यतिन, क्या कह रही है ब्रोकरेजेस इस स्टॉक को लेकर? देखिए आशीष, काफी सारे मिक्स्ड रिव्यूज आज आपको आईटी सेक्टर पे आते हुए दिखाई देंगे। स्पेसिफिकली अगर हम माइंडट्री की बात करें और जो एनालिस्ट मीट इन्होंने की थी उस पे बात करें तो काफी न्यूट्रल कॉल्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, होल्ड के कॉल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक मोस्ट ब्रोकरेजेस को रिच लगता है। गोल्डमन सैक्स का टारगेट लगभग 3,900 रुपए के आसपास है, नोमुरा का टारगेट 4,640 के आसपास है, और अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 5,100 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ इक्वल वेट का कॉल है मॉर्गन स्टैनली का। अगर हम माइंडट्री की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री रेवेन्यू फोरकास्ट को लेके काफी अच्छी थी। उनको लगता है कि लगभग 18% की ग्रोथ आपको आगे चलते हुए देखने को मिल सकती है। मार्जिन पे भी मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी और इनको लगता है कि जो क्लाइंट्स हैं उनके उनके साथ फर्दर कारोबार क्रॉस सेलिंग भी होगी, जिसके कारण मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस था कि 20% के ऊपर के लेवल्स के मार्जिन वो मेंटेन कर सकते हैं ऐसे एनवायरमेंट में जहां एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है। और अगर हम डील विंस की बात करें तो वहां भी मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये स्टॉक शायद आपको इस रेट पे महंगा है।